सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन, राहुल गांधी के साथ चलते वक्त हार्ट अटैक आया, रोकी गई यात्रा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे कांग्रेस सीपीआई, सभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। आफताब ने आरी से किए थे श्रद्धा के 35 टुकड़े, ऑटोप्सी में खुलासा, डीएनए जांच में जंगल से मिले बॉडी पार्ट्स भी श्रद्धा के निकले। अंजलि केस हादसा नहीं हत्याकांड, कार सवार चारों आरोपियों ने शराब पी रखी थी, पीएसएल रिपोर्ट में दावा, 11 पुलिस वाले सस्पेंड। छप्पन ग्राम सोने से बनाए पीएम मोदी की मूर्ति, यूजर्स बोले प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अमिताभ रजनीकांत से ज्यादा। जोशीमठ के इसरो की रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब, 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंसने का किया गया था दावा। टीएमसी नेता साकेत गोखले को जमानत देने से इनकार, अहमदाबाद सत्र अदालत का फैसला। कर्नाटक में समर्थकों संग लिंगायत संत का सीएमआवास के बाहर प्रदर्शन, आरक्षण में स्पष्टता की कमी का लगाया आरोप। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता जरूरी, विधानसभा में विधेयक पारित। डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति का राज्यपाल पर विवादित बयान, कहा सरकार का भाषण नहीं पढ़ा तो कश्मीर चले जाओ। कानून की किताब लेकर एलजी से मिलने पहुंचे केजरीवाल, सीएम बोले शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने से रोका गया। हिमाचल में आया भूकंप, आज सुबह धर्मशाला और चंबा में दो बार लगे झटके, लोग घरों से बाहर दौड़े, जानी नुकसान नहीं। मोदी ने शुरू की 2024 के आम चुनाव की तैयारी, सांसदों से पीएम ने कहा ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर फोकस करें। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर चलेगा मुकदमा, केंद्र ने दी सीबीआई को परमिशन। ओडिशा के जंगल में पेड़ पर लटकी मिली महिला क्रिकेटर राजश्री स्वेन की लाश, परिवार ने बताया मर्डर। मुरादाबाद की अदालत में जयाप्रदा को समन, एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना था, अब 17 को होगी सुनवाई। मकर संक्रांति स्नान पर्व शुरू, आधी रात से भक्त गंगा घाट पर पहुंचने लगे, 5000 पुलिस वाले सिक्योरिटी में तैनात। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर धरना जारी, रेजिडेंट्स बोले सोसाइटी में इन्हें एंट्री नहीं, जिन्हें ज्यादा प्यार वो अपने घर में पालें। मेरठ में फिर दिखा तेंदुआ, शहर के अंदर कीर्ति पैलेस इलाके में घूम रहा, एक्सपर्ट्स मान रहे नाले के सहारे चलता हुआ यहां पहुंचा।
लखनऊ में बढ़ेगा ऑटो का किराया। लखनऊ ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर्स संघ उठाई मांग, प्रति किलोमीटर पर करीब 6 रुपए की बढ़ोतरी की तैयारी। अम्बेडकर नगर में सड़क हादसे में युवक की मौत, दोस्त घायल, दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, पुलिस ने घायल को कराया भर्ती। प्रयाग स्टेशन पर होगा मुंबई रूट की ट्रेनों का ठहराव, इस स्टेशन से गुजरने वाली 39 ट्रेनों के ठहराव की तैयारी, बोर्ड भेजा गया प्रस्ताव। हापुड़ पुलिस दोषियों को सजा दिलाने में मंडल में प्रथम, 42 मामलों में 100 ज्यादा गुनाहगारों को दिलाई सजा, सबसे ज्यादा आजीवन कारावास। गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, 2 दिन मनाई जा रही मकर संक्रांति, आचार्यों के मुताबिक मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कल। हरदोई में पत्नी ने की पति की पिटाई, 30 सेकंड में 15 डंडे मारे सास और ननद ने भी दिया साथ। ललितपुर में फांसी पर लटका मिला युवक, पिता बोले हत्या कर लटकाया गया, शव घर से बुलाकर ले गया था ग्रामीण। प्रतापगढ़ के जवान की शहादत के बाद गांव में मातम, सीएम ने की 50 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी की घोषणा। कौशाम्बी में ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत, 30 मिनट तक केबिन में फंसा रहा ट्रेलर चालक, सड़क पर लगा जाम। त्रिवेणी एक्सप्रेस में छात्रा से सिपाही ने की छेड़छाड़, बोगी में अकेला पाकर छात्रा को छूने लगा, चिल्लाने पर उसका बैग ट्रेन से नीचे फेंका। हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म में 7 साल की कैद, कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, साक्ष्य के अभाव में 2 आरोपी बरी। गोवर्धन में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने पकड़ा, 2 बदमाश बाइक छोड़कर हुए फरार। मिर्जापुर में 25 लाख की चोरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के घर से सोने चांदी के गहने और सामान ले गए चोर, पिता का इलाज कराने गए थे गुड़गांव। कोहरे के बीच जमानिया में रुका क्रूज, गंगा विलास सुबह 10 बजे हमीद सेतु पर पहुंचेगा, भ्रमण करेंगे सैलानी। इटावा में दंपत्ति से मारपीट में मुकदमा दर्ज, एडीजी कानपुर ने वीडियो पर लिया संज्ञान, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फेसबुक पर लव यू जानू लिखकर युवक ने दी जान, स्टोरी पर लिखा 22 को नहीं आज ही मरने वाला हूं, विद्यालय के पीछे लगाई फांसी। उन्नाव में लंबित मामलों का होगा निस्तारण, शिकायतों की बनाई जा रही 3 श्रेणियां, एसपी बोले विवेचना में देरी से कम होता है भरोसा। फिरोजाबाद में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी, शबद कीर्तन कर सुखी जीवन की प्रार्थना, पारंपरिक गीत संगीत और ढोल नगाड़ों ने जमाया रंग। अमेठी में पालिका कर्मियों की दबंगई, मानक विहीन काम का विरोध करने पर की मारपीट, महिला समेत 2 लोग घायल। गौतम बुद्ध नगर में कंपनी से डीजल चोरी करने वाला गिरफ्तार, सीनियर मैनेजर ने रंगे हाथ पकड़ा, डीजल भरे 4 केन बरामद। मथुरा पुलिस को मिली सफलता, 23 वर्ष से फरार लुटेरों को मथुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, वर्ष 2000 में लूटा था मेहंदी से भरा ट्रक।
यूपी ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका लिया आशीर्वाद। चंदौली में ओएचआई तार टूटने से अप और डाउन का परिचालन पूरी तरीके से बाधित, राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें हुई खड़ी, ट्रेन परिचालक बाधित होने से यात्री परेशान। बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा को बड़ी राहत, 11 साल पुराने मुकदमे में अभिजीत सांगा बरी, बिठूर थाने में दर्ज मुकदमे से हुए बरी। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथ लेखपाल गिरफ्तार, पैमाइश के लिए रिश्वत के रुपए बरामद। कानपुर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद, चोरों के गिरोह ने मंदिर को बनाया निशाना, करीब 20 लाख की ज्वेलरी और चोरों ने किया हाथ साफ। उत्तराखंड में मामा के श्राद्ध में शामिल होने आया था भांजा, मामी और चचेरी बहन पर फायर झोंक, हुआ फरार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में किया शौर्य स्थल का लोकार्पण, बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मकर संक्रांति स्नान पर्व धर्मनगरी हरिद्वार सहित उत्तराखंड के समस्त गंगा घाटों पर शनिवार तड़के से गंगा स्नान जारी, हाईवे पर भारी वाहन प्रतिबंधित। उत्तराखंड में धनोल्टी में सीजन का पहला हिमपात, बर्फ की सफेद चादर से ढके चार धाम, गंगोत्री हाईवे बंद। जोशीमठ आपदा ग्रस्त क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी, कड़ाके की सर्दी से आग से कर कुछ असर कर रहे लोग। केदारनाथ धाम में जमी 2.5 फीट बर्फ, तापमान पहुंचा -15, पुनर्निर्माण कार्य में लगे श्रमिक लौटे। जोशीमठ में प्रभावितों के जख्मों पर राहत का मरहम, पेपर लीक मामले में बनेगा सख्त कानून। लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में दो और गिरफ्तार, पति पत्नी सहित सातों को भेजा जेल। नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, उत्तराखंड में आ रहा है देश का सबसे सख्त कानून, नकल करने पर उम्र कैद। हरिद्वार में पैथोलॉजी लैब संचालक का अपहरण कर मांगी 70 लाख रुपए की फिरौती, नहीं देने पर की हत्या। भूधंसाओं से एशिया के सबसे बड़े जोशीमठ औली रोपवे पर आई दरारें, खतरे को देखते हुए संचालन बंद। यूकेएसएससी निरस्त मामले में दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार पर आयोग से किया जवाब तलब। उत्तराखंड में समूह का भर्तियों के पेपर लगातार हो रहे लीक, 20,000 पदों पर भर्ती सरकार के लिए बड़ी चुनौती। अनुसूचित जाति के युवक को पीटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, मंदिर में जाने पर जलती लकड़ी से पीटा था। उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रहे 36 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार करेगी एसटीएफ, क्लिनिकों पर पड़ने लगे छापे। ब्राजील दंगे में आया पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का नाम, सरकार का आरोप, झूठे दावों से भड़काई हिंसा।
सोशल मीडिया पर ईश्वर को क्रूर कहने पर मिली सजा, पाकिस्तान ने हिंदू लड़के को जेल भेजा। अपने ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोपों पर बिफरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, गवाही के दौरान पीड़िता को कहे अपशब्द। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे के खिलाफ हत्या का केस 6 महीने बाद शुरू होगा ट्रायल। टीवी प्रोग्राम में डिप्टी पीएम पर भड़के पुतिन, बोले मुझे बेवकूफ मत बनाइए, 1 महीने में एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे करें। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस स्टेशन पर हमला, 3 अफसरों की मौत, 8 आतंकियों ने 3 तरफ से घेर कर फायरिंग की। ईरान में हिजाब का विरोध पड़ा ठंडा, 4 महीने में 20,000 लोगों को जेल हुई, हताश प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट रहे। जॉर्ज की तरह फिरासवित की हत्या, यूएस पुलिस ने करंट लगाया, 30 सेकंड गर्दन दबाई, अस्पताल में मौत। सात अक्टूबर से पहले मारे जाएंगे पुतिन, विपक्षी का दावा, 71वें बर्थडे से पहले करीबी कत्ल कर देंगे। जापान समुद्र में 2000 करोड़ लीटर जहरीला पानी छोड़ेगा, 2011 से फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट के टैंकों में है बंद। आरबीआई गवर्नर की क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की मांग, शक्तिकांत दास ने कहा क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तेजी का असर, सोना 56,462 के नए रिकॉर्ड में 13 दिन में 1,595 रुपए महंगा हुआ। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने बढ़ाए दाम, खुदरा महंगाई बढ़ने के बीच टूथपेस्ट साबुन जैसे डेली यूज आइटम की कीमतें बढ़ी। बारह लाख तक हो सकती है मारुति 11,000 से बुकिंग, टोयोटा लाई 2.17 करोड़ की गाड़ी। लेनोवो का पहला 5G एंड्रॉइड टैबलेट लॉन्च, लेनोवो टैब की शुरुआती कीमत 29,999 रुपए। साल के पहले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 1.3 अरब डॉलर घटा, स्वर्ण भंडार में इजाफा। जीडीपी में सुस्ती से निपटने के लिए ब्याज दरों में 0.75% तक की कटौती कर सकता है आरबीआई। भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर, व्यापार घटा पहली बार 100 अरब डॉलर पार। इंफोसिस ने दिसंबर तिमाही में 6,000 फ्रेशर्स किए हायर, बोली का 30 मार्च तक 50,000 का लक्ष्य होगा पूरा। बॉम्बे हाईकोर्ट में धूत के वकील का दावा, गिरफ्तारी गलत, सीबीआई बोली जांच में नहीं कर रहे थे सहयोग। चालीस ओवर के मैच में खेली 508 रन की पारी, 13 साल के यश जावड़े ने इंटर स्कूल मैच में रचा इतिहास। मुरली विजय ने बीसीसीआई पर निकाली भड़ास, बोले 30 पार होते ही हमें 80 साल का बुजुर्ग समझ लिया जाता है।
पृथ्वी शॉ को मिला रिकॉर्ड तोड़ पर का इनाम, 26 महीने बाद टीम इंडिया में मिली जगह। जीलैंड के बल्लेबाजों ने निकाली हारिस रऊफ का हवा, पूरी सीरीज हारिस ने 25 ओवर की गेंदबाजी में लुटाए 142 रन। गंभीर ने विराट कोहली पर फिर कसा तंज, बोले शतक बनाना अच्छा है लेकिन बांग्लादेश से मिली हार ना भूलें। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का विजयी आगाज, स्पेन से 2-0 से हराया अमित रोहितास और हार्दिक सिंह ने दागे गोल। हिमाचल के रणजी खिलाड़ी का निधन, 28 वर्षीय सिद्धार्थ भारद्वाज ने बड़ोदरा के अस्पताल में ली अंतिम सांस, कई दिन से थे बीमार। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, राहुल अक्षर को आराम, पृथ्वी शॉ की वापसी। आईसीसी वीमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से, भारत का पहला मैच मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मेसी को 2440 करोड़ रुपए में खरीद सकता है सऊदी रोनाल्डो के क्लब अल नासर के प्रतिद्वंदी क्लब का फोकस मेसी पर। साउथ एक्ट्रेस महालक्ष्मी फिल्म फेयर रविंद्र की जोड़ी हुई ट्रोल, यूजर्स बोले इसकी सरकारी नौकरी है क्या जो तुमने इससे शादी कर ली। रकुलप्रीत सिंह ने कराया फोटोशूट, आदा जैन से ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने शेयर की कैंडल लाइट डिनर डेट की फोटोज। सीजान की बढ़ी मुसीबतें, कोर्ट ने खारिज की बेल एप्लीकेशन, कोर्ट ने माना सीजान से ब्रेकअप के बाद परेशान थी तुनिशा। कार्तिक कृति ने पंजाब में मनाई लोहड़ी, ढोल भांगड़ा के साथ हुआ वेलकम, दोनों ने जम कर किया डांस। कियारा की जासूसी करना चाहते हैं सिद्धार्थ, बोले उसका नंबर हमेशा स्पीड डायल पर रखता हूं, उसके वर्कआउट पर भी रखना चाहता हूं नजर। सेंसर ने गांधी गोडसे का एक वर्ड तक नहीं काटा, राजकुमार संतोषी बोले हमने गोडसे के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट से की है फिल्म की कहानी तैयार। फर्जी का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म में ठग बने हैं शाहिद कपूर, विजय सेतुपति करेंगे ओटीटी पर डेब्यू। बिग बॉस में धमाल मचाने पहुंची भारती सिंह, सलमान खान ने कॉमेडियन के बेटे गोला को गिफ्ट किया अपना सिग्नेचर ब्रेसलेट। पहली बार बेटी राहा के साथ स्पॉट हुए रणबीर आलिया, मां की गोद में लिपटी दिखी कपूर खानदान की प्रिंसेस। राखी संग शादी की अफवाहों पर आदिल का आया रिएक्शन, कुछ भी कहने से बचते आए नजर, बोले 10-12 दिन बाद बताऊंगा सच। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।